अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना के उन चार चीज़ों के बारे में जो आपके लाइफ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं नंबर फोर से। चौथे नंबर पे है वो ये है मसाज चेयर। ये जो मसाज चेयर ये आपको हर जगह पे मिलेंगे, आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हो, मूवी के लिए चले जाते हो, स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, आपको हर जगह ये मिलेगा। इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इवन अगर आप थके हुए नहीं भी हैं तो आप ये मसाज चेयर यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर ये है कि यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, आपने वी चेयर या अली पे से आपने QR कोड स्कैन करना है, फिर डिफरेंट टाइम का यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि 15 मिनट, 20, 25 मिनट, आपने उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद डिफरेंट प्राइस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पूरे जिस्म को मसाज देता है। और आप रेलवे स्टेशन पे हो और आपकी तकरीबन 2-3 घंटे बाद आपकी रेल हो या फ्लाइट हो, तब भी आप यहाँ पे बैठ के अपनी ट्रेवल, अपनी जो वेटिंग टाइम है आप उसको इन्जॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ को इजी बना देता है चाइना में। सो लेट्स गो फॉर अनदर वन। चाइना में आप जहाँ पे भी जाएँ ये पावर बैंक आपको मिलेगा। इसका फ़ायदा ये है कि आप कहीं भी चले जाते हैं, आप ट्रेवल करते हैं या आप मार्केट चले जाते हैं, आपके फोन में चार्ज नहीं होता तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यूज़ करने का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। आपने QR कोड यहाँ पे स्कैन करना है, इसके बाद अकाउंट जो ऑलरेडी आपका बैंक के साथ कनेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली जो इसका पैसा होता है वो खुद बखुद डिटेक्ट कर लेता है। तो आप कहीं भी जाएँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे दिखा सकें, तो अभी मैं यहाँ पे सफर करने आया हुआ हूँ तो उन्होंने यहाँ पर भी रखा हुआ है। आप किसी भी शॉप पर चले जाएँ, एयरपोर्ट चले जाएँ, स्टेशन पर चले जाएँ, आपको ये मिल जाएंगे। तो आई थिंक आपकी लाइफ को चाइना में बहुत ज़्यादा ईजी बनाता है। अगर आप इसको वापस करना है तो बहुत ईजी तरीका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसको सीधा अंदर, मतलब इसको आप इंसर्ट कर दें तो ये खुद बखुद मतलब चला जाता है। इसके अलावा अगर आप इसको वापस नहीं करते हैं तो आपको तकरीबन ये 100 से 200 युआन या ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिटेक्ट करता है। नंबर टू पे जो है वो है साइकिल्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स। नॉर्मली आप चाइना के किसी भी सिटी में चले जाएं, वहाँ पे आपको बाइसाइकिल और ये इलेक्ट्रिक बाइक आपको हर जगह मिलेंगे। तो इसको यूज़ करने का जो मेथड है वो बहुत ही ईजी है। इसका ऐप बना हुआ है, इस बाइक का नाम हेलो बाइक है। इसके अलावा दूसरे कंपनीज के भी बहुत सारे बाइक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि रेड कलर या दूसरे कलर से होंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए आपके इसके ऐप में जाना होगा, वहाँ पर आपने जो यहाँ पे QR कोड बना हुआ है आपने इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो इसका प्राइस होगा वो बहुत ही अफोर्डेबल है। आप अगर आप 15 मिनट यूज़ करते हो तो उसके लिए 2 युआन, और अगर आप बाइसाइकिल यूज़ करते हो तो उसके लिए 15 मिनट के लिए आई थिंक 1 युआन के हिसाब से यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। और जो पेमेंट का मेथड है वो भी बहुत ईजी है। आपका जो अकाउंट होगा वो अली पे और वीचैट से कनेक्टेड होगा, तो जब आप इसको लॉग आउट कर देंगे तो पैसा वहाँ से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बाइक है आप उसको हर जगह पे आप इसको पार्क नहीं कर सकते हैं। अगर आप उनके जो मैप में वहाँ पे डिफरेंट जगह उन्होंने ना दिया हुआ है आपने वहाँ पे पार्क करना है, लेकिन जो बाइसाइकिल है वो आप कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये जो बाइसाइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक है ये आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना देता है, क्योंकि आप चाहें कि किसी भी सिटी पे जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नंबर वन पे जो चीज़ है चाइना में जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बनाता है वो है ऑनलाइन पेमेंट। जब से मैं चाइना आया हुआ हूँ कोई 4 से 5 साल हुआ, लेकिन अभी तक मैंने कभी कैश इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इनके दो ऐप्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, एक है वीचैट और दूसरा अली पे। तो ये अली पे और जो वीचैट है वो आपके बैंक के साथ कनेक्ट होता है। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी जाएं, आपने मूवी करना हो, आपने होटल बुक करना हो, आपने किसी शॉप से लेना हो, इवन आपने किसी बाहर रोड से किसी 80-90 साल की दादी से भी चीज़ लेना हो ना, आपने वीचैट से पे करना होता है। आप अली पे और वीचैट में भी आप अपना अमाउंट रख सकते हैं, आप टॉप अप कर सकते हैं तो वहाँ पे अमाउंट होता है। इसके अलावा अगर आपने ट्रांसफ़र करना हो तो वो भी बहुत ईजी, जिस तरह आप मैसेज करते हैं इस तरह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी दोस्त को पैसा चाहिए, वो एयरपोर्ट पर वो सिर्फ मुझे मैसेज करेगा या मुझे 30-40 युआन या 200 युआन या 10,000 RMB मुझे ट्रांसफ़र कर दें, तो वो फिर तकरीबन 1 सेकेंड में हो जाता है। ये जो चार चीज़ें हैं मेरे लिहाज से चाइना में आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बनाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में दोबारा हाजिर हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।